जगत गुरु पाद पद में तयोषित अक्ष से भूख हुई क्यों हुई कि इस शरीर से ये शरीर मुझे ये मन को पहचान करके अब मुझे किसको आत्मा कहती है कि मुझे 184 योनि से तो हम बच गए लेकिन जन्म मरण बंधन से ये मन ये शरीर के माध्यम से मुझे मुक्त कर देगा किसको आत्मा को। आत्मा बहुत खुश हो गई जब इसके अंदर परमात्मा ने मन दिया क्योंकि आत्मा को पता है यही मन बंधन में बांध देता है और यही मन बंधन से मुक्त करा देता है तो वो बहुत बहुत खुश हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये मन ही हमारा ऐसा माध्यम है ऐसा साधन है सद्गुरुदेव महाराज जी हमें अपने जीवन में संसार से निकाल करके अपने चरणों में शरण देकर साधु संतों के सानिध्य दिया सत्संग प्रदान किया और हमें सत्य का ज्ञान प्रदान किया। सत्संग से हमारे अंदर जब जिज्ञासा उत्पत्ति हुई तो तब हम हमारे अंदर ये जिज्ञासा के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि ये सर्वश्रेष्ठ शरीर परम प्रभु परमात्मा ने क्यों दिया है। तो इसीलिए ये मन अपने अंदर खुश रहता था कहां जब मातृ गर्भ में माँ के पेट में हमारे शरीर के अंदर रहता था तो उस समय वो सुंदर मन था लेकिन जब बाहर आया तो हम दुनिया को जब देखने लगे दुनिया की बातें सुनने लगे अर्थात अच्छे अच्छे खाने लगे तो उसके माध्यम से हमने जैसे अपने शरीर को एक्टिविटीज किया जैसे हमने उपयोग किया तो हमारा मन भी ऐसा होता चला गया। तब मनुष्य सोचता नहीं है कि हमारा मन ऐसा क्यों हो गया इतना सुंदर मन था और ये दिन प्रतिदिन संसार माया में यही मन को मन गंदा नहीं था ये शरीर उसको गंदा बनाया जहां जहां ये शरीर को आपने लगाया मन तो वहां पे लगेगा नहीं लगेगा लगेगा। तो अच्छे बुरे का विचार हमारे अंदर नहीं था क्यों नहीं था कि हमारे अंदर विवेक की जागृत नहीं हुई थी। इसीलिए परमपिता परमात्मा जब इस मन को हमारे अंदर प्रदान किया भगवान को पता है कि इस शरीर के द्वारा ये मेरे धाम को चला चला आ जाएगा अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करेगा इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ शरीर प्रदान किया। दिन प्रतिदिन हमारे कर्म से जब मन चंचल हो गया और बुराइयों को सुना तो गंदा हो गया जो ये जानवर को मार के खाए कौन ने खाया शरीर ने खाया तो मन को क्या हो गया पाप लगने लग गया तन पाप किया लेकिन तन ने कर्म किया और पाप किसको लगा मन को लगा। तो संत महान ऋषि मुनि माने मतलब लोग इस मन को समझाने के लिए एक मार्गदर्शन दिया क्या मार्ग दिया मनुष्य को समझाया और ये मनुष्य जब पता चला कि ये मन
बंधन से मुक्त कर देगा और बंधन में बांध देगा। तो ये मन को बार बार समझाते चला गया। वो प्यारे मन रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है सुन ले सत्संग। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरी से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये पापी मन कर ले भजन, रे पापी कर ले भजन, ओ मौका मिला है सुन ले, मौका मिला है सुन ले सत्संग। बाद में प्यारे पछताएगा जब ऋषि पंछी निकल जाएगा, जब ऋषि पंछी निकल जाएगा, जब ऋषि पंछी निकल जाएगा, जब ऋषि पंछी निकल जाएगा। सुनो क्या गाया मनुष्य, क्या गाया रे पापी। तो मन कहता है, यहाँ पे सामने बैठ जाओ, मन कहता है अरे मूर्ख एक ही उड़ गए, चलो हम भी उड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा प्रिया लोगों को आगे बोलो, आ जाओ भी अंदर आ जाओ। तो जब मनुष्य भजन को गाया तो मन कहता है अरे पापी तू किसको बोल रहा है। मन कहता है तन को, क्या है ये तन। मन कहता है तन को कि अरे तू मेरे को क्यों पापी बना रहा है, पापी बोल रहा है। मैं तो जो माँ के पेट में था बहुत सुंदर स्वच्छ निर्मल था, लेकिन जब बाहर आया तू जैसे जैसे कर्म किया तो मेरे ऊपर चढ़ने कर्म तू, और पाप किसको लगा मन को। तो मैंने पाप नहीं किया, किया तो तूने किया, और ऊपर से मेरे को बोल रहा है रे पापी। बाबा रे मनुष्य, अरे मैं तो इतने अच्छे सुंदर था और तूने संसार में मुझे पापी बना दिया, अपराधी बना दिया, कुकर्मी बना दिया। क्या क्या मनुष्य नहीं करता है। तो ये तो नहीं सोचता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं हमारे मन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे पापी क्यों बोल रहा है, अगर तूने मुझे पापी बोला तो मेरे से खराब कोई, मैं तुझे बंधन में बांध दूंगा। कौन कहता है मन, किसको तन को, तन बोलो। और तन को कहता है अगर तूने मेरे को पापी बोला, सच में मैं तुझे ऐसे योनि में भेज दूंगा और पछताता रह जाएगा, इसलिए मेरे को पापी क्यों बोल रहा है। तो तन डर गया, कौन कौन डर गया तन। तो यही तन जो गा रहा था, फिर देखो मन जब उसको डराया तो शरीर क्या गाया देखो। ओ प्यारे मन कर ले भजन, ओ प्यारे कर ले भजन, मौका मिला है तुझे सत्संग, मौका पछताएगा जब
दादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।